ऐश्वर्या ने राज का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है। खरगोन के रहने वाले 19 साल के ऐश्वर्या ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ऐश्वर्या ने दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी हंगरी के स्टेवन पैनिक को हराया है। बताया गया है क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान हवा बहुत तेज चल रही थी, लेकिन ऐश्वर्या ने परफेक्ट शॉट लगाया और देश की झोली में स्वर्ण पदक डाल दिया। ऐश्वर्या ने जैसे ही उपलब्धि अपने नाम की, उसके घर में मिठाइयाँ बंटने लगी। खरगोन के छोटे से कस्बे छिरना के रतनपुर के रहने वाले एक किसान वीर बहादुर सिंह तोमर के बेटे ऐश्वर प्रताप सिंह ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने सोची भी नहीं होगी। ऐश्वर ने दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी हंगरी के स्टेवन पैनिक को हराया है। बताया गया है क्वालिफिकेशन राउंड के दौरान हवा बहुत तेज थी, लेकिन ऐश्वर ने परफेक्ट शॉट लगाया और देश को गोल्ड दिला दिया। ऐश्वर तो दिल्ली में है, लेकिन हमने उनके परिवार से बातचीत की, सुनिए। इस वर्ष की आयु में गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने देश का नाम रोशन किया, बहुत गर्व की बात है कि ऐश्वर्या ने ये उपलब्धि जूनियर होते हुए सीनियर वर्ल्ड कप में फाइट कर हासिल की, परिवार के लिए और देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं ईश्वर से यही कामना करना चाहूँगा कि आने वाले टोक्यो ओलंपिक में भी अच्छी मेहनत से और अपनी लगन से गोल्ड मेडल हासिल करें और अपना देश का और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। खरगोन के छोटे से कस्बे झिरन्या के रतनपुर के रहने वाले किसान वीर बहादुर सिंह तोमर के बेटे ऐश्वर प्रताप सिंह ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। ऐश्वर की सफलता से सिर्फ उसके घरवाले नहीं बल्कि जिले के अधिकारी खुश हैं और वो ऐश्वर को बधाई दे रहे हैं। देखिए, ये न केवल खरगोन जिले या मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि खरगोन जिले के निवासी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर जो शूटिंग चैंपियनशिप है उसमें इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। और इसमें बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने जो है वर्ल्ड नंबर वन जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनको इसमें हराया है। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये हमारे यहाँ के एक किसान पुत्र हैं जिन्होंने बचपन से ही शूटिंग में अपनी इनके पिताजी ने काबिलियत देखी, उन्होंने उसके बाद उसमें प्रैक्टिस की और उसके बाद कई स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट्स थे उसमें अपने जिले का, प्रदेश का और देश का मान बढ़ाया है। और इस प्रतियोगिता में भी जैसा मैंने इनके इससे पढ़ा है कि काफ़ी कठिन परिस्थितियां थी, काफ़ी तेज हवा चल रही थी, उसमें भी इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया और जिसमें इन्होंने जीत दर्ज की। आने वाले समय के लिए मैं इनके परिवार को सबसे पहले तो बधाई देता हूँ, इनको बधाई देता हूँ और इनके आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं इनको देता हूँ। आपको बता दें आईएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप दिल्ली में चल रहा था और इसमें छठे दिन ऐश्वर प्रताप सिंह तोमर ने ये सफलता हासिल की। हालांकि 3 दिन पहले भी ऐश्वर ने वर्ल्ड कप में दीपक कुमार, पंकज कुमार के साथ टीम इवेंट 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर जीता था। ये ऐश्वर का वर्ल्ड कप में पहला स्वर्ण पदक है। ऐश्वर की जीत के बाद गाँव में जश्न का माहौल है। ऐश्वर के बारे में जब हमने पता किया तो मालूम हुआ कि ऐश्वर का बचपन से ही मन पढ़ाई में न लगकर शूटिंग में लगता था, लेकिन किसान पिता ने कभी उस पर पढ़ाई को लेकर दबाव नहीं बनाया और उसकी हमेशा मदद की और आज अपने पिता का प्रोत्साहन ऐश्वर के काम आया और बेटे ने उनका नाम देश में रोशन कर दिया। खरगोन से उमेश रेवलिया की रिपोर्ट, MP तक।